अच्छे भाव का जो प्रवाह है वो सब में बह सके। देखिए निश्चित रूप से एक बहुत सात्विक मैसेज है, युवाओं में भी एक अच्छा मैसेज है, देश का एक वातावरण भी बहुत अच्छा अभी बदल ही रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 9 वर्षों में भी एक सकारात्मक वातावरण जैसा पूरे विश्व में आया है, हमारे देश में आया है, वो हम सब देख रहे हैं। हम भी अपने देश में सुना करते थे हर आए दिन कभी कहीं बम धमाके होते थे, हमेशा एक डर का माहौल रहता था। आज हमारा देश उससे ऊपर बढ़ा है, आगे बढ़ा है। नहीं तो हमेशा कहा जा रहा था कोई लावारिस वस्तु कहीं है तो उस पर बचा जाए, उससे दूर रहा जाए। इतने टेररिस्ट अटैक हमने देखे, आज जब हमारा देश उससे आगे बढ़ चुका है तो ये तो हमारे देश की पुरानी नीति रीति रही है कि विश्व का सोचना ये हमने हमेशा किया है। तो आज जो विश्व में अशांति है उसको भी हम एक संदेश देते हैं कि वहाँ भी एक शांति बहाल हो और एक कल्याण हो और हमारे समाज में भी एक सौहार्द बना रहे और शांति बनी रहे, ऐसी एक हमारी कामना। देखिए हम अमूमन देखते हैं अभी अब लंबे समय से हम देख भी रहे हैं कि एक पोलराइज्ड वर्ल्ड हमने देखी है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ तो देशों ने अपनी अपनी साइड चुन ली, कोई रशिया के साथ रहे कोई यूक्रेन के साथ रहे, पर भारत अकेला ऐसा था जो आज उस स्थिति में है जो मध्यस्थता कर सकता है। ये भारत की एक अनोखी स्थिति है जो विश्व में हमने बनाई है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। आज की स्थिति में भी भले ही हम इसराइल के और हमास के युद्ध में हमारी एक फॉरेन पॉलिसी लंबे समय से रही होगी, पर एक बात हमने निश्चित रूप से कही है कि आतंकवाद मानवता विरोधी है और कोई भी अगर आतंकवादी घटना होती है, एक भी मासूम की अगर जान जाती है तो उसका हमें, उस बर्बरता का हमें उतना ही विरोध करना चाहिए चाहे कोई बड़ी घटना हुई उसके बराबर। तो इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि ये भी ऐसे प्रकार के आयोजन जहां पर ऐसी कामना की जाती है ये समाज के लिए बहुत सकारात्मक है और होने चाहिए। हनुमान जी के चालीसा में जैसे होता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, तो हम चाहते हैं कि जो इसराइल और हमास में जो ये युद्ध हो रहा है वो रुक जाए ताकि ये आगे ना बढ़े और विश्व में शांति बनी रहे। भारत की तरफ से हम यही एक वो करते हैं कि यहाँ पे जितना भी है सब शांति से ख़त्म हो जाए, इनमें आपस में सुलह हो जाए और जितनी जानें जा रही हैं वो ना जाए। युद्ध देख के मतलब कि छोटे बच्चों की, जवानों की और कई बूढ़े लोगों की भी जानें बेवजह जा रही हैं, सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल भगवान जी उन पर आशीर्वाद वो करें और ये युद्ध ख़त्म हो जाए। हमारी तो कोशिश यही है कि विश्व में यही मैसेज जाए कि हर तरफ शांति बनी रहे, भारतवर्ष में भी शांति रहे और जितना भी पूरा विश्व है सब में शांति बनी रहे। जब पता चला ये जो मानवता के ऊपर क्रूर प्रहार हुआ है, देखिए राजनीतिक मतभेद होते हैं बहुत से देशों में, और धन्य है ईश्वर का, आभार प्रकट करते हैं ईश्वर का कि भारत इसमें चारों तरफ ऐसे ऐसे देशों से घिरा हुआ है। यूक्रेन और रशिया का आपने देखा है, पाकिस्तान का हालात सबको पता ही है, इधर से चाइना की स्थिति आर्थिक सबको पता ही है, नेपाल बर्मा देख लो, श्रीलंका देख लो, चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन ईश्वर कृपा से हमारा देश हर तरीके से उन्नति कर रहा है। जब इसराइल और ये अपना युद्ध की बात हुई, युद्ध होते हैं लेकिन जब मानवता के ऊपर प्रहार हुआ बड़ा दर्दनायक था, अनजान बच्चे, कुछ अध के लिए फूल मर रहे हैं, कुछ अस्पताल में अपने जीवन के लिए तड़प रहे हैं, कुछ माताएं गर्भावस्था में हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनका क्या, उनका कसूर क्या है। संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना,